बुजदार मीडिया टॉक कर रहे हैं। बैठक का इंतजाम नहीं किया गया आज तक, तारीख में इस तरह नहीं हुआ। जिस तरह टोबा में आज उन्होंने दलील किया हमें यहाँ पे बुला के, दो घंटे से यहाँ पे बैठे हुए नीचे हम, कोई चेयर का इंतजाम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया। तीन साल से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कोई डायरेक्टर यहाँ पे नहीं है, कोई सीट यहाँ पे खाली है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, आपने कहा बात, पहले बात कर लेते हैं फिर ये भी डिस्कस करते हैं। जिसका मैंने स्टार्ट किया कि हम हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक जा रहे हैं। एक हमने एक अपनी विजिट शुरू की है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, तहसील में जाएं, वहाँ पे आपके शहर को देखें, आपके लोकल नुमाइंदों से मिलें और वहाँ आप लोगों का इनपुट लें और उस इलाके की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है वो हम करें। तो इस सिलसिले में आज हम, पहले आज मुल्तान गए थे, वहाँ पासिंग आउट परेड थी पुलिस की, उसके बाद हम टोबा टैक्सिंग आए, यहाँ पर हमने डेवलपमेंट की मीटिंग की है, हमने यहाँ पर लाइन ऑर्डर की मीटिंग की है, अपने MPS के साथ हमने मीटिंग की है और इसके बाद हम आपका शहर देखेंगे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखेंगे। इंशाल्लाह जो जो एक्शन लेने होंगे तो वो हम लेंगे, पंजाब की बेहतरी के लिए जो कुछ करना पड़ा वो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा सर, तो साही लाल पे जो JID बनी थी, मुतासरीन का कहना है कि उनके तहफ़ुज़ात हैं वो JID को मुस्तरद करते हैं और अब जुडिशल कमीशन बनाने के बाकायदा तौर पर मुतालबा किया जा रहा है, अपोजिशन भी यही बात कर रही है, तो आप क्या समझते हैं उनके तहफ़ुज़ात बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है या JID ने प्रॉपर तौर पर? जिस तरह आपको पता है कि सानिया साहिवाल हुआ, मेरे ख्याल में 72 घंटों के अंदर जो कुछ हमने किया इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और जो जो हमने एक्शन लेने थे हमने लिए और आपने देखे हैं, बिल्कुल वो ठीक काम कर रही है। कोई उनकी रिक्वेस्ट हमारे तक नहीं पहुंची है कि उनको मुतमइन ना हो, तो इंशाल्लाह हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो जहां हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंसाफ दिलाने के लिए वो हम वहां तक जाएंगे उनके साथ हैं। अलहदा से सेनेट कमेटी ने अलहदा से अगर उनको समन किया है उसके लिए गए, पंजाब गवर्नमेंट का उनसे कोई इशू नहीं है। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अभी जो जी अभी जो ये हमने ब्रीफिंग ली है, आपके जो जो वाटर सप्लाईज का इशू है और आपके जो सीवरेज का इशू है ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये इंशाल्लाह CMIT या एंटी करप्शन से इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे ताकि हर चीज साहबों के सामने आ जाएगी। लेकिन पानी जो है वो तो मिलना शुरू हो जाए ना? बिल्कुल वो भी मिलेगा इंशाल्लाह। और आपके उसके बाद जो आपके ये शहर की सफाई के इशू थे, आपके जो इरीगेशन से रिलेटेड थे, एजुकेशन से रिलेटेड थे, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो वन बाई वन हमने अंदर बैठ के पूरी डिटेल डिस्कस किया, उस पर इंशाल्लाह एक्शन होगा, आप देखेंगे। आपके MPMLA हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने आपकी भरपूर नुमाइंदगी की है, पेंट वगैरह हुआ है हम कहते हैं, लेकिन आप शहर के अंदर जाके देखिए शहर की सूरत क्या है। वो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, आपसे फारिग होकर फिर जाएंगे। वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार मीडिया टॉक कर रहे थे, कहना उनका ये था सानिया साहिवाल में हमारी हुकूमत ने 72 घंटों में एक्शन लिया और अभी भी हम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं।